News 24 आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। ऐसे में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है, देश के देश बंद होते जा रहे हैं, न लोग घरों से निकल पा रहे हैं, न ही घरों के अंदर चैन से जी पा रहे हैं, ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है। चीन, खासतौर से वुहान, जहां पर ये कोरोना वायरस सबसे पहले पैदा हुआ और वहां से पूरी दुनिया में फैला, हिंदुस्तान में आया, यहां हाहाकार मचाया, वहां चीन में क्या हाल है? चीन ने अब तक कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया है? आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ सीधे चीन से शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे जुड़ रहे हैं, जो कि एक हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वहां पर चीन में ये पेंडेमिक, ये महामारी फैलने के बावजूद हिंदुस्तान वापस नहीं आए। इन्होंने फैसला किया कि ये चीन में ही रुककर इस बीमारी को काबू करने में चीन के प्रशासन की, वहां की सरकार की मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शंघाई से मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए डॉक्टर संजीव चौबे। आप मेडिकल डायरेक्टर हैं सेंट माइकल्स हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत है News 24 पर आपका डॉक्टर चौबे। थैंक यू। सबसे पहले आपकी दाद देना चाहता हूं डॉक्टर चौबे। ऐसे में जब हर कोई चाइना का नाम सुनकर, वुहान का नाम सुनकर डर जाता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाइना छोड़ दें, लेकिन फिर भी आप वहां डटे हुए हैं, वहां लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनकी उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है डॉक्टर चौबे? ये तो मेडिकल एथिक्स है हमारा कि चाहे कोई भी नेशनलिटी हो, चाहे किसी भी आप देश में हो, तो आप अगर कोई विपदा आती है, चाहे किसी देश में हो, चाहे भारत हो या कोई और देश हो, तो डॉक्टर्स तो अपना फर्ज निभाएंगे। आपको डर नहीं लगता डॉक्टर चौबे? वहां पर हर कोई बीमार हो रहा है, पूरा वुहान बंद है, इतने सारे केसेस हो गए। मैं तो अभी पढ़ रहा था और मुझे पता है कि ये जो फिगर्स हैं, ये पूरी दुनिया ट्रैक कर रही है। चीन में 80,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं 14 मार्च तक। 81,021, 3,194 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया भर में 1,42,000 से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और करीब 5,000 मारे जा चुके हैं चाइना में सर 80,000 से ज्यादा केसेस। आपको डर नहीं लग रहा डॉक्टर चौबे? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो जरूर डर लगता। मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे मालूम है कि ये क्या है। तो थोड़ा सा फिर बताइए डॉक्टर चौबे, अब जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये चाइना ने क्या काबू पा लिया है क्या इस पर? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे। चाइना में पिछले लगभग 3 वीक से केसेस नहीं बढ़े हैं और हमारा जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस था टोटल 81,000 हो गया है। बट उसके आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ये जो वायरस था इसका 5 फेज था, दैट इज 5 फेजेस, एंड नाउ चाइना इज इन द 5th फेज विच इज अ रिकवरी फेज। सो अब सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 23 या 24 तारीख के बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे लोग पहले काम करते थे वैसे आप वापस काम पे आ जाएंगे। ऑलरेडी 90% तो अचीव हो चुका है, बाकी जो बचा कुचा 10% है वो 23rd-24th तक हो जाएगा। ओके डॉक्टर चौबे, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप कह रहे हैं कि चाइना, चीन पूरा 90% कोरोना वायरस से उबर चुका है। उसी जो लड़ाई थी कोरोना वायरस की चाइना की, चीन 90% उस लड़ाई को जीत चुका है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। और अब सिर्फ 10% लड़ाई बची है और स्टेज 5 में ये 10% की लड़ाई क्या है, जरा ये भी बताइए। 10% में वो पेशेंट हैं जो उनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, लाइक हार्ट डिजीज, एस्थमा है, उनको सांस की कोई दिक्कत है, या कोई डायबिटीज है, या फिर कोई उनको क्रॉनिक डिजीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जिससे इनका इम्यून सिस्टम डाउन है, वो पेशेंट ही एडमिट है। नए जो हेल्दी पेशेंट है उनको तो हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिर्फ हमने सिम्टोमेटिक जो दवाइयां होती हैं, जैसे अपने यहाँ विक्स 500 वगैरह चलती हैं, उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सिर्फ क्रिटिकल केसेस में, जिसको मतलब ऑलरेडी कोई और बीमारी है और साथ में ये वायरस का अटैक है, उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, बट उस पर भी हमने काबू पा लिया है। ओके, तो कुछ नए केसेस अब आ रहे हैं या केसेस अब नए केसेस आना लगभग बंद हो गए हैं? लगभग बंद हो गए हैं। पहले तो मतलब एक दिन में मुझे याद है कि हम लोगों ने जो डेटा देखा था वो 20,000 इन वन डे, 20,000, ये फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ। अब तो मुश्किल से 12-10 केसेस टोटल आ गए, 10-12 रोज बाहर से। हाँ। बाहर से, क्योंकि अब लोग बाहर से जो लोग काम करते हैं यहाँ पे वो वापस आ रहे हैं, तो शायद उसमें से कुछ लोग जो है वो कैरी कर रहे हैं इस डिजीज को,
तो वो लोग कैरियर हैं बेसिकली। ओके, पूरी दुनिया में तो अभी भी एक इंप्रेशन ये बना हुआ है डॉक्टर चौबे कि चाइना बहुत डेंजरस है अभी भी कोरोना वायरस के लिए, इसलिए वहां ना जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग, हम भी पढ़ रहे हैं कि अब वापस चाइना जाना चाहते हैं। ब्रिटेन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम चाइना में ज्यादा सेफ रहेंगे, ब्रिटेन में ज्यादा देखभाल नहीं हो रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, चाइना भी ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, अदर कंट्रीज। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि हम लोग, देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस वायरस के जो हम जो डिटेल स्टडी हुई है, जो रिसर्च हुआ है, इसके 5 फेजेस होते हैं। हमारे इंडिया में अभी सेकंड स्टेज पे है, अभी और हमारे यहाँ केसेस आएंगे, आप देखते जाना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा मॉब क्लॉबिंग जहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति है, जैसे अभी महाशिवरात्रि या कुछ और भी आने वाला है, तो वहां पे लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, मॉस्क में जाते हैं, उसके अलावा आपके जो गुरुद्वारा है वहां जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कोई भी एक कैरियर है वो एक आराम से 40 से 50 आदमी को आराम से इफेक्ट कर सकता है। और जो सेकंड स्टेज होता है और थर्ड स्टेज में बहुत ज्यादा पीक पहुंचता है, मतलब एक साइकिल का पीक होता है, तो उसमें वो ज्यादा चांसेस रहता है कि लोग इजिली उसको ग्रैप कर ले, इवन वो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल आदमी ही क्यों ना। ओके, ये डिपेंड करता है सब कुछ उसके इम्यून सिस्टम पे कि वो कितना स्ट्रांग है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, कुछ लोगों को आता है सर्दी, जस्ट जुकाम जैसा, ड्राई कफ, कफ कोल्ड, थोड़ा सा ड्राई कफ हुआ, बस ये सिम्टोमेटिक जैसे फ्लू जैसा सिम्टम हुआ और पास हो गया, पर मुझे लगा कि वो कोरोना कोविड-19 था, वो पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये होकर निकल भी गया हो नॉर्मल फ्लू की तरह, जुकाम खांसी की तरह, और उनको पता भी ना चला हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम दैट इज 100% एकदम कंफर्मड है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। देखिए जो डेथ्स हुई है, चाहे वो स्पेन में हो, इटली में हो, चाइना में हो, वो सब 55, 65, 75 ओल्ड पेशेंट को हुआ है। न्यू मतलब यंग एज वाले पेशेंट जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो हेल्दी है, जो बकायदा फिटनेस अपना मेंटेन करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, विटामिन डी का जिनका अच्छा लेवल पे है, कैल्शियम अच्छे लेवल पे है, जिंक अच्छे लेवल पे है, वो लोग को कुछ नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने मास्क पहना, अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन किया, जस्ट पास आउट, उनको कुछ नहीं हुआ, जस्ट क्लियरली। तो ये स्टेज जो है डॉक्टर साहब, जरा इसके बारे में बताइए डॉक्टर चौबे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ये क्या क्या है जरा बताइए। देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, देखिए स्टेज 1 में तो फर्स्ट 10 डेज जब ये वायरस का कोई अटैक होता है ना, तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि कुछ था, तो जब इसमें जब हमें पता नहीं चलता कि कुछ सिम्टम्स ही नहीं रहता, ना फीवर होता है, ना कोल्ड होता है, ना कफ होता है, ना कुछ भी, वी नेवर नो अबाउट दैट। बाद में जब 11-12 दिन जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं हाई ग्रेड फीवर से, मतलब ये स्पाइक फीवर चला जाता है 38-39 डिग्री, उसके बाद आपके स्नीजिंग, कफिंग, थ्रोट पेन, जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, बट नॉर्मल फ्लू जैसा दिखता है, लेकिन वायरस को डिटेक्ट करना वो डिफरेंट थिंग है। कोई जरूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू वायरस होता है, जो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा ए बी कॉमन है, ये भी वैसा ही है, बट ये जीन थोड़ा अलग है क्योंकि ये म्यूटेट हो रहा है, ये म्यूटेटिंग जीन है। तो इसका सिम्टम्स और प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंस है। स्टेज वन में कोई सिम्टम्स नहीं रहता अगर आदमी हेल्दी है तो, बट अगर ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसको इमीडिएटली थोड़ा सा थ्रोट पेन होना, और उसके बाद फिर ड्राई कफ स्टार्ट हो जाना, उसके बाद रनिंग नोज, वीकनेस, ये सब फटीग, फीवर आना शुरू हो जाता है। स्टेज टू में जो है आते आते थोड़ा वो सीवियरिटी बढ़ती है और इनिशियल निमोनिया के लक्षण शुरू हो जाते हैं। स्टेज 3 में निमोनिया का लक्षण काफी ज्यादा हाई पीक में चला जाता है, और अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो वो रिकवर होकर स्टेज 4 में आते हैं, स्टेज 5 में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। बट लेकिन जो आदमी ऑलरेडी डायबिटीज और अदर बीमारियों से जूझ रहा है, हार्ट फेलियर है, उसके बाद आपके किसी को COPD है, क्रॉनिक स्मोकर है, या कुछ भी है, तो उनको कोई भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, फाइनली अगर लकी रहे तो दे सर्वाइव, अदरवाइज वो शायद अच्छा रिजल्ट ना हो। ओके, तो ये पांचों स्टेज कितने दिन में पूरी हो जाती है डॉक्टर साहब? सर टोटल तो 3 months मान के चलिए, 3 months तो चाइना में क्या 3 महीना पूरा हो गया है आपके हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 17 दिसंबर को, एंड अब हम लोग 23 को यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं, ऑफिशियल ओपनिंग है, तो ऑलमोस्ट 90 डेज। ओके, यानी 23 को
23 मार्च को चीन पूरी तरह से आधिकारिक ऑफिशियली खुलने वाला है? ऑफिशियली तो खुलेगा आपको, हाँ ऑफिशियली खुलेगा 7 अप्रैल को, बट जितने लोग जो भी इम्प्लॉयज थे जो घर में रह रहे थे, आइसोलेशन में रह रहे थे या क्वारंटाइन में थे, उनको एक टाइम दिया गया है, बट 23 को हम लोग एक्सपेक्टेड ये मान के चल रहे हैं कि ऑफिशियली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, इंडिया की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छे से काबू किया है इस पेंडेमिक को, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले तो मैं इंडियन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इसको अच्छे से कंट्रोल किया है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड हैं, जैसे रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज सुना जिसमें कुछ लोग एस्केप आउट हो गए इस आइसोलेशन से और वो लोग और लोगों को फैला रहे हैं, तो बट इंडिया ने जैसे अभी अपना एयरपोर्ट जो है बिल्कुल ही लॉकडाउन कर रखा है हमारे भारत में, तो जो केसेस ऑलरेडी इन हो चुके हैं शायद वो स्प्रेड करें और हो सकता है इसके नंबर और बढ़े। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंड ऑफ द मंथ, देखिए जहां पे मास गैदरिंग होती है वहां पे इसके चांसेस फैलने के ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब आप चाहे आप वो मॉस्क में जाएं या फिर आप गुरुद्वारे में जाएं या मंदिर में जाएं या आप कहीं भी जाएं जहां पे मॉस गैदरिंग होती है और कोई भी 4-5 कैरियर है वो फैलाएगा ही फैलाएगा। उसके अलावा जो एयरपोर्ट से लोग आते हैं जो जिनके जो कैरियर, जैसे इटालियन लोग आए थे, 15 लोग आए थे एज ए टूरिस्ट बन के, और हमारा जो ये जो सेंट्रलाइज्ड जो एयर कंडीशनिंग डक्ट सिस्टम है उससे भी वो फैलता है क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल साइज में होता है और इट विल बी इजिली टेकन बाय द एयर, तो वो स्प्रेड कराता है एक ये भी कॉज। ओके, तो आप क्या इंडिया के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कितने तक केसेस हो जाएंगे और कब तक ये पीक कर जाएगा? देखिए अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेशन क्योंकि हमारा देश का थोड़ा स्ट्रक्चर और हमारी संस्कृति अलग है। नहीं, लेकिन आपने सुना होगा डॉक्टर चौबे कि आज जैसे सिद्धि विनायक मंदिर बंद हो गया, दिल्ली पूरा बंद है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, सारे यूनिवर्सिटीज बंद हैं, मास गैदरिंग्स पर बैन लग गया है, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो प्रिकॉशन तो सारे लिए जा रहे हैं। प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं लेकिन लोग को भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने ये सुना था कि पंजाब से 9 लोग भाग गए, कुछ तेलंगाना में या पता नहीं आंध्र प्रदेश में 5 लोग वहां से एस्केप आउट हो गए, तो अगर ऐसे लोग हरकतें करेंगे तो वो लोग तो स्प्रेड ही करेंगे ना। ओके, तो ये तो ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, मतलब वैसे आपको क्या समझ में आ रहा है ये कितना और अभी कितने केसेस और कब तक पीक करेगा ये इंडिया में? बढ़ेगा, अभी तो मुझे लग रहा है कि 500 प्लस जाएगा। अभी स्टेज 2 में है तो स्टेज 5-3 में आप कह रहे हैं 2 में पीक करता है, 3 में पीक करता है? 3 में पीक करता है। तो कब तक आप मान रहे हैं स्टेज 3 आ जाएगा इंडिया में और कितने केसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तक? आप 24-25 मार्च तक वेट कीजिए, 500 तक तो हो जाना चाहिए। तो कितने केसेस आपको लगता है हो जाएंगे इंडिया में अगर लोग डिसिप्लिन्ड? 24-25 हमारे यहाँ महाशिवरात्रि से शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है, और आप आदमी के जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उनको तो आप समझा नहीं सकते, तो मोस्ट लाइकली 500 तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 115 तो ऑलरेडी आज के डेट में है। कल का डेटा मुझे नहीं मालूम कि कितने ऐड होने वाले हैं, लेकिन अभी 115 जिसमें 2 डेथ्स हो चुकी हैं और वो भी ओल्ड एज के पेशेंट हुए, 69 और 79 के थे, बट यंग एज के लोग जो डिटेक्ट हुए हैं, जो अभी ऑफिशियली डिटेक्ट हुए हैं, अभी बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कैरियर है इनको डिटेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि उनको सिम्टम ही नहीं है, तो वो मुझे उम्मीद है कि 25 तक वी एक्सपेक्टिंग 500 प्लस, 500,000 मतलब 5 लाख, नहीं 500 से ज्यादा, 5 लाख नहीं, मैं कह रहा हूँ टोटल केसेस, आप क्या 500 प्लस कह रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग इसमें मर सकते हैं आप ये कह रहे हैं, कैजुअल्टी हो सकती है? नहीं कैजुअल्टी नहीं, अफेक्ट हो सकते हैं इससे। अच्छा पर डे कह रहे हैं आप, पर डे? नहीं पर डे नहीं कह रहा हूँ, पर डे इसमें ऐड ही होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कह रहे हैं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस 500 तक हो सकते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ केसेस डॉक्टर चौबे कह रहे हैं कि इंडिया में 500 तक पहुंच सकते हैं स्टेज 3 में, जब इंडिया जाएगा और ये कोरोना वायरस पीक करेगा, तो यानी 500 तक जाने के बाद डॉक्टर चौबे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24-25 तारीख के बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देगा इंडिया में?
देखिए, पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टेम्परेचर एक फैक्टर है, बट टेम्परेचर इज नॉट द फैक्टर, क्योंकि फिलीपींस जैसा कंट्री है या मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, जहाँ पे हमेशा 26 या 30 के आसपास टेम्परेचर रहता है, चाहे विंटर का सीजन क्यों ना हो, तो ये टेम्परेचर से तो ये वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा है. तो ये एक्चुअली ये बेसिकली साइकिल मेंटेन कर रहा है 28 डेज का. तो हम उम्मीद करते हैं कि फेज 5 आते आते इट विल टेक अराउंड 40 डेज टोटल. ओके, मतलब 40 दिन आप मान रहे हैं? 40 दिन? हाँ, मैं 40 दिन मान रहा हूँ. ओके, तो मतलब आज से 40 दिन मान रहे हैं या जब से इंडिया में शुरू हुआ है उसके बाद से 40 दिन? आज से 40 दिन लगेंगे. तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, जैसे डॉक्टर चौबे, अभी आज 16 मार्च है, तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20-25 अप्रैल के आसपास इंडिया में लगभग ये खत्म हो जाना चाहिए? लगभग, मोस्ट लाइकली ये फिनिश हो जाएगा. ओके, और जो ये लोगों में डर बना हुआ है कि ये तो आया है और अब ये पता नहीं कितनी मौतें होंगी, कैसे बचेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हाइप बनाने की हैबिट है. व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, जो सही न्यूज नहीं फैलाता कुछ भी. आज के डेट में न्यूज चैनल और मीडिया आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हैंड हाइजीन कैसे बचें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इवन बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर जो इंडिया में, बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है. लेकिन एक जो सोशल मीडिया का जो प्रॉब्लम है, जो इंटरनल 1-to-1 जो एक जो कनेक्शन है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. ओके, वो एक आखिरी सवाल डॉक्टर चौबे, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने तो खुद इस लड़ाई को इस जीता है चाइना में, कोरोना वायरस को आपने हराने में चाइना में कामयाबी पाई है. इंडिया क्या सीख सकता है चाइना के मॉडल से, जो हम भी बिल्कुल इसी तरह विनर निकले इसमें से? यहाँ पे तीन बातें हैं. पहली बात तो ये है कि एक तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है. दूसरा, गवर्नमेंट अपनी जगह पर अपना काम कर रही है, ठीक है. थर्ड ये है कि मिथ से बचे, मतलब मिथ से बचना है हमें. इतना ज्यादा मिथ फैला के रखा है लोगों ने कि मतलब लोग जो है बिना समझे ही उसको डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा. ये सिचुएशन. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उतना खतरनाक है नहीं जितना लोगों ने इसे सोशल मीडिया में और मीडिया ने इसे बना दिया है. बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना लोग एक तरह से व्हाट्सएप, वीचैट और वो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत ज्यादा इसको एक हाइप करके दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली. ठीक है, यहाँ चाइना में मैं यहाँ रहा हूँ, शंघाई में मैं कम से कम हजारों पेशेंट देख रहा हूँ, और कम से कम अभी तक 60,000 से ज्यादा पेशेंट रिकवर हो चुके हैं बिना कोई इसके कैजुअलिटी. अगर हम 1.358 बिलियन जो है यहाँ की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से तो इनका फैटलिटी रेट काफी कम है. सिर्फ 1-2% डेथ होती है वो, उसके अलावा कुछ नहीं इसमें. ओके डॉक्टर चौबे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच न्यूज 24 के साथ सीधे शंघाई से लाइव जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. मुझे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी पब्लिक, समाज, आम लोग सब देख के आपकी इन बातों से सीखेंगे, क्योंकि चाइना, आप कह रहे हैं, 90% की लड़ाई जीत चुका है, इसलिए इंडिया को अभी ये लड़ाई काफी जीतनी है. तो आपसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक बार फिर से दाद देता हूं डॉक्टर चौबे आपकी, कि आपके पास वापस आने का एक रास्ता था लेकिन आपने उसे नहीं चुना. बहुत बहुत शुक्रिया.